मैनपुरी थाना बेवर क्षेत्र के ग्राम नगला ताल निवासी रुकुम सिंह पुत्र बालक राम की कुछ दिनों पूर्व गांव में ही रहने वाले रिंकू से कुछ कहा सुनी हो गई थी, जिसमें रिंकू व उसके भाई के द्वारा गांव में पड़े कूड़े कचरे को लेकर मना करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। जिस मामले को लेकर परिजनों ने बताया कि रुकुम सिंह को रिंकू घर से ले गया था, जिसको ढूंढने के बाद युवक का शव कल शाम करीब 6:30 बजे गांव में बने तालाब में पड़ा मिला। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। परिजनों के द्वारा थाना बेवर में तहरीर दी गई है। पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। किस गांव में? तालिक नगरा थाना बेवर। कब मिली बॉडी? शाम के टाइम। ये बताइए, आज जो भाई आपकी मौत हुई है, किस कारण हुई, क्या मामला है? ये ऐसा था सर कि घर से ये लेवा के गया। कौन? ये इनका क्या नाम है, महावीर उर्फ त्यागी बोलते हैं। ये घर से लेवा के गया, हम लोग घर पे थे नहीं। जब मैं लोग घर पे आए तो बच्चों ने तालाब में देखा तो मेरा छोटा एक भतीजा है, इतना बड़ा है, वो पिताजी गए निकालने तो इसकी मिट्टी मिली वहाँ पे। कहाँ पे? तालाब के किनारे पे पानी। घर से कितनी दूर है तालाब? ऐसा हुआ करीब 50-60 मीटर की दूराई। अच्छा, किस गांव का मामला है ये? ये नंगला ताल का था। थाना कौन सा लगता है? बेवर। साहब, हमारा नाम बालक राम है और हमारा बेटा जो है रुकुम सिंह, जिसकी उम्र 20 साल है, और त्यागी जी जो झंडेपुर के जो है उन्हें खेती के काम के लिए ले गए, और उसके बाद जो है लड़का हमको जो है तालाब पर मिला, और नायब सिंह ने हमें सूचना दी तो नायब सिंह फिर हमारे साथ गए, उसे निकाला, बेटा खत्म हो गया। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।